जी हाँ, हम है ना समृद्धि टाउनशिप, शहर की खूबसूरत लोकेशन पर स्थित, बाईपास से 1 किलोमीटर और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन से चंद मिनटों की दूरी पर। समृद्धि टाउनशिप पूर्णतः वेद विकसित सुरक्षित और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी। समृद्धि टाउनशिप, कलेक्टर बंगला, मेन रोड, खंडवा। खंडवा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर फिर विवाद के घेरे में। डॉक्टर के हाथों हुई मरीज की मौत के आरोप लगाए परिजन ने। खंडवा के नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज को एक बार फिर लापरवाहियों के बतौर देखा जा रहा है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर मोहल्ला क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। इसमें एक मरीज को गलत इंजेक्शन देने के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने उन्हें गलत इंजेक्शन दिया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। खंडवा में पदस्थ मेडिकल कॉलेज में नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने वाले MBBS डॉक्टर यशपाल राय पर आरोप है कि उन्होंने नगरी क्षेत्र घासपुरा में बगैर अनुमति के क्लिनिक का संचालन किया है। इसमें 10 से अधिक बेड लगा रखे हैं। डॉक्टर यशपाल राय पर आरोप है कि होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास के ग्राम निटाया के सुभाष पिता अमृतलाल का उन्होंने उपचार किया, उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई है। उधर डॉक्टर ने कहा है कि स्लाइन लगाते समय उसने पानी पी लिया था, उसके रिएक्शन से उसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनंत पवार ने कहा है कि इस मामले में सबके बयान लेने और जांच के बाद ही कुछ कार्रवाई की जा सकती है। हम जूना पानी रहते हैं, जवाई निटाए रहते थे इटारसी के। वो पैर में तकलीफ के कारण वो खंडवा लेकर आया उनका बालक। ये डॉक्टर बंगाली है भगत सिंह चौक में, राय पार करके। ये देखो ना कौन सा ये ठीक है। तो ये इलाज के लिए वहाँ गए, उन्होंने बाटल इंजेक्शन दिए, एक बाटल खत्म हुई, दूसरी बाटल में वो घबराहट हुई और दम तोड़ दी। यहाँ लाए, बोले वहाँ ले जाना पड़ेगा सरकारी में, आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, इनको घबराहट हो रही है। यहाँ लाया तो मर तो कोशिश बता दी उन्होंने। किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही है। उस बच्चे को बॉटल लगी हुई थी, उस बॉटल में लगे हुए बच्चे ने पानी पिलाया है और सारे पेशेंट रोक भी रहे थे पानी नहीं पिलाओ, पर उसने पानी पिलाया और पानी पिलाने से वो पानी एक्सपायर कर गया, फेफड़ों में चला गया पानी लंग में और उसकी तत्काल मौत हो गई। अच्छा, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर आपको हॉस्पिटल संचालन का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, 20 बेड लगाए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? ये सिर्फ मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें कोई वो नहीं है, और ये पूरे मोहल्ले के द्वारा होता है, उसमें संचालित होता है और उसमें कुछ नहीं करते हैं लोगों को, सिर्फ देखता हूँ मैं, फिजियोथेरेपी देता हूँ। एक्चुअल मैं डेली वहाँ नहीं बैठ पाता हूँ और जब मैं जाता हूँ तो जब वो लोग बुलाते हैं मोहल्ले के लोग, तभी मैं जाके पेशेंटों को देखता हूँ। देखिए, अगर ये जो डॉक्टर हैं उनकी जो इंक्वायरी हो जाएगी और तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके पश्चात उनके द्वारा जो प्रैक्टिस की गई थी और उसमें अगर कुछ गलत हुआ है तो CMH के माध्यम से उसकी जाँच हो जाएगी और फिर वो जो है कार्रवाई होगी। और जहाँ तक कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज का ये है, तो हम अपने मेडिकल कॉलेज में वो किस आधार पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो NPA ले रहे थे कि उसके लिए हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, उस पर हम जांच करेंगे। अगर उन्हें प्रैक्टिस के संबंधित सूचना हमें नहीं दी है तो हम उन पर जाँच करा के कार्रवाई करेंगे। हर नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण, और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब
सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ, और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे।